तो दोस्तों एक बार फिर से हम आ गए हैं एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेके। इसमें हम जानने वाले हैं M52 के बारे में, बारीकी से समझा जाएगा। तो दोस्तों ये दरअसल एक अपग्रेड है M51 का, जो सैमसंग का M51 था उससे ये कुछ बेहतर बनाया गया है। तो ये जानते हैं इस वीडियो में कि क्या बेहतर है M51 से और इसमें क्या क्या आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है हरत खान और देर है पॉकेट गुरु जी। वीडियो के स्टार्ट करने से छोटी सी अगर आप हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन देखना मत भूलिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले से। इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो आपको मिलेगा 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। जैसा कि सैमसंग की खासियत तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले में कोई इसको पिछा नहीं पाता है। तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ साथ आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। साथ साथ दोस्तों इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। तो इस मामले में दोस्तों जो M51 था इस मामले में M52 बेहतर है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरे के बारे में तो यहाँ पे आपको बैक साइड में मिलेगा 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो कि एक प्राइमरी कैमरा होगा, और वहाँ पे आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और साथ ही साथ इसके मिलेगा आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 3 कैमरे देखने को मिलेंगे बैक साइड पे। पिछले बार में तो 4 था, अरे इतना चलता है यार। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर मिलेगा जो कि ऑक्टाकोर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे बेस होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा 6GB का रैम और साथ ही साथ 128GB का स्टोरेज मिलेगा जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं 1TB तक। हमारे लिए तो 64 काफी है। दोस्तों बात करते हैं नेटवर्क टाइप के बारे में तो यहाँ पे आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम के साथ 5G का सपोर्ट मिलता है और M51 में 4G था। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें इसमें चार्जिंग की तो यहाँ पे आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है जो कि दोस्तों M51 से जल्दी चार्ज कर देगा M52 को। साथ साथ बात करें हम दोस्तों इसकी बैटरी बैकअप की तो यहाँ पे आपको 5 MAH की लंबी बैटरी देखने को मिलेगी। M51 में तो 7000 था। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो दोस्तों इसमें आपको USB Type-C का सपोर्ट मिलता है। ये तो उसमें भी था। आओ तुम ही बना लो, आओ नहीं तुम ही बनाओ।